समाज सेविका, कवि और वंचितों की आवाज उठाने वाली सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले, जिनके जीवन और कृत्यों के बारे में अभी भी देश के बहुत सारे लोग नहीं जानते। यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाएं भी इस बात से अनजान हैं कि अगर वे आज शिक्षित हैं, रोजगार के योग्य हैं, तो वो आखिर किसके प्रयासों के चलते हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को पुणे से 50 किलोमीटर दूर पुणे के नएगांव में हुआ था। 1840 में 10 वर्ष की उम्र में उनका विवाह ज्योतिराव के साथ हुआ था, जो कि उस समय 13 वर्ष के थे। उन्होंने एक बालक को गोद लिया था, जिसका नाम उन्होंने यशवंत रखा। ज्योतिराव ने अपनी पत्नी को घर पर ही पढ़ाया और उन्हें शिक्षिका के तौर पर प्रशिक्षित किया। बॉम्बे गार्जियन के 22 नवंबर 1851 में प्रकाशित एक खबर के अनुसार उनकी आगे की शिक्षा की जिम्मेदारी ज्योतिराव के मित्र सखाराम यशवंत परांजपे और केशव शिवराम भावलकर ने संभाली। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला अध्यापिका थी। घर की देहरी लांघकर बाहर पढ़ाने जाने के उनके इस कदम से आधुनिक भारतीय महिला के सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ होता है। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर महिलाओं की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम किया। 1848 में उन्होंने देश में पहली महिला स्कूल की स्थापना की, जिसके बाद वो 5 अन्य विद्यालय खोलने में सफल हुई। 5 फरवरी 1852 के एक आवेदन पत्र के अनुसार लड़कियों के लिए पहले 3 स्कूल 3 जुलाई 1851, 17 नवंबर 1851 और 15 मार्च 1852 चिपलू नकरवादा, रास्ता पेट और वेडल पेट क्रमशः शुरू किए गए। सावित्रीबाई फुले इनमें से सबसे पहले स्थापित स्कूल की प्रधानाध्यापिका थी, एक ऐसी महिला जिन्होंने 19वीं सदी में छुआछूत, बाल विवाह तथा विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों के विरुद्ध काम किया, उसे हिंदुस्तान ने भुला दिया। उन्होंने भारत में नारी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में सावित्रीबाई और उनके पति दोनों ने मिलकर शूद्र एवं स्त्री शिक्षा आरंभ कर नए युग की नींव रखी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को हुई और सावित्रीबाई फुले इस संस्था की एक अत्यधिक समर्पित कार्यकर्ता थी। ये संस्था कम से कम खर्चे पर दहेज मुक्त और बिना पंडित पुजारियों के विवाहों का आयोजन कराती थी। इस तरह का पहला विवाह 25 दिसंबर 1873 को संपन्न हुआ। सावित्रीबाई के मित्र बाजूबाई निम्बंकर की पुत्री राधा और सीताराम जाबाजी अलहाट की शादी पहली सत्यशोधक शादी थी। इस ऐतिहासिक अवसर पर सावित्रीबाई ने स्वयं सभी खर्चे वहन किए। इस प्रकार के विवाहों की पद्धति पंजीकृत विवाहों से मिलती जुलती होती थी, जो आज भी भारत के कई भागों में पाई जाती है। पूरे देश के पुजारियों ने इन विवाहों का विरोध किया और वे इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में भी गए। फूले दंपत्ति को कठोर परेशानियों का सामना करना पड़ा, किंतु इससे वे अपने पद से विचलित नहीं हुए। 4 फरवरी 1889 को उन्होंने अपने दत्तक पुत्र की शादी इसी पद्धति से की। यह विवाह आधुनिक भारत में पहला अंतरजातीय विवाह था। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका हैं। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे, जिसके कारण वो एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी हुई साड़ी को बदल लेती थी। महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु सन 1890 में हुई। तब सावित्रीबाई ने उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया। अगले साल 1857 में प्लेग की भयंकर महामारी फैल गई। पुणे क्षेत्र में प्रतिदिन सैकड़ों लोग इस प्रकोप में मर रहे थे। सावित्रीबाई ने यशवंत को छुट्टी लेकर आने को कहा और यशवंत के लौटने पर उनकी मदद से उन्होंने सासने परिवार के खेतों में एक हॉस्पिटल खुलवाया। वे बीमार लोगों के पास जाती और खुद ही उनको हॉस्पिटल तक लेकर आती। हालांकि वो जानती थी कि एक संक्रामक बीमारी है, फिर भी उन्होंने बीमार लोगों की सेवा और देखभाल करना जारी रखा। जैसे ही उनको पता चला कि मुंधवा गांव के बाहर महारों की बस्ती में पांडुरंग बाबा जी गायकवाड़ का पुत्र प्लेग से पीड़ित हो गया है, वो वहां गईं और बीमार बच्चे को पीठ पर लादकर हॉस्पिटल लेकर दौड़ी। इस प्रक्रिया में यह महामारी उनको भी लग गई और 10 मार्च 1897 को रात 9 बजे आखिरकार उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। दीन बंधु ने उनके मृत्यु की खबर को बड़े ही दुख के साथ प्रकाशित किया।
जो लोग पीठ पर अपने पुत्र को बांधकर दुश्मन से लड़ती हुई लक्ष्मी बाई की बहादुरी का गुणगान करते हैं, उन्होंने इस महिला की बहादुरी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, जिसने अपनी पीठ पर लादकर एक बीमार बच्चे को बचाया। उनका पूरा जीवन समाज में वंचित तबके, खासकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जिसमें वो सबको पढ़ने लिखने की प्रेरणा देकर जाति तोड़ने की बात करती है। जाओ, जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ो।